Hi, good evening, friends. This is Rahul Parma. Well, आज का जो हमारा session है वो बहुत ही important session है, because आज के session में हम उन सब चीज के बारे में discuss करेंगे जो बहुत ही major role play करती है हमारे life में to become a successful person. Well, आज जो मैं आपको आपको वीडियो के थ्रू जो बताने जा रहा हूं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लाइफ के ऐसे फैक्टर पे जो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई एम्प्लॉई हो, या कोई भी हो, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है. देखिए, आप चाहे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी जॉब में आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका उस जॉब के प्रति या उस प्रिपरेशन के प्रति या उस पढ़ाई के प्रति आपका नजरिया क्या है. टीचिंग के दौरान ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई जिनके अंदर एबिलिटी थी कुछ अच्छा करने की, और वो कर भी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी उनके एटीट्यूड में, उनके नजरिए में कि पता नहीं होगा या नहीं होगा सिलेक्शन. तो मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा कि जिनके अंदर वो एबिलिटी थी लेकिन उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन दूसरी तरफ मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा कि जिनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था उनका नजरिया, उनका एक एटीट्यूड, और उसके बाद बहुत सी चीजें आती हैं और आज वो किसी अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोस्ट पे है. तो खैर, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है नन अदर देन एटीट्यूड. क्योंकि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से सक्सेस मंत्रास हैं जिससे हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके, क्योंकि हर साल आपकी यही तमन्ना रहती है कि पिछला साल जैसा भी गया, आने वाला नया साल जो है उसे हम लाइफ में कुछ ऐसा करें कि उस साल हमेशा हमारे लिए रिमेम्बरेबल रहे. और यही है कि हम बड़े हर्षोल्लास से एक नए साल का वेलकम करते हैं कि 2016 जो आ रहा है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए, हमारी लाइफ को, हमारी जो विशेष है वो पूरी फुलफिल हो सके, हम जिस चीज के लिए परेशान हैं, जिस चीज के लिए दिन रात हम प्रयत्न कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसे हम पा सके. लेकिन हम सब चाहने पर से नहीं पा सकते जब तक हम लाइफ में कुछ अलग ना करें, जब तक हम लाइफ में कुछ ऐसा ना करें जिससे वाकई में उसे पा सके. इसलिए जो पहला स्टेप है, इफ यू रियली If you really desire to change your life, so, सबसे पहली चीज है कि अपने नजरियों को बदलिए. जो आपका नजरिया है, जो आपका एटीट्यूड है, उसको सुधार लाइए, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं. तो खैर, इस वीडियो के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं उन सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर की तरफ जा सकते हैं. यहाँ जो वीडियोज में मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि 2006 से लेकर के 2016 तक इन 10 सालों में जो भी मैंने अनुभव किया, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा एक्सपीरियंस हो, या फिर वो मेरा अपना एक्सपीरियंस हो, या उन सारे तमाम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस हो जो कभी एक साधारण स्टूडेंट हुआ करते थे और आज की डेट में वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं. तो उन सारे स्टूडेंट्स से जो एक अनुभव मैंने लिया है, आज वो अनुभव मैं वीडियोस के थ्रू आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं. तो यहां जो मैंने सबसे पहली बात करी है एटीट्यूड की. देखिए, एटीट्यूड यानी कि नजरिया. हम किसी भी चीज को देखते हैं, उस चीज को जो हमारा नजरिया है देखने का क्या है, एक एटीट्यूड ही होता है जो कई बार आपको बहुत सारी संभावनाएं दिखा देता है किसी चीज में, तो कई बार आपको कुछ नहीं दिखाई देता है. देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर बंदा सक्सेस होना चाहता है, हर बंदा कुछ ना कुछ चाहता है कि मैं सक्सेस हूं, लेकिन सब चाहने पर से चीजें नहीं हो जाती. ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों के वीडियो देखने से क्या उनकी लाइफ चेंज हो सकती है? नहीं. लाइफ सब उन्हीं की चेंज होगी जो सिर्फ इसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें छुपी हुई उन सारी बातों को अचीव करेंगे, समझेंगे और उन्हें लाइफ में उतारेंगे. तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि इस वीडियो को सिर्फ आप देखिएगा मत, सुनिएगा मत, और एंटरटेनमेंट के लिए से यूज मत करिए, इसे अपनी लाइफ चेंजिंग के लिए एक टूल बनाइए. तो एटीट्यूड भी दो प्रकार के होते हैं, एक
होता है हमारा सकारात्मक नजरिया, एक होता है हमारा नकारात्मक नजरिया, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड का मतलब मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस की कर रहे हो, चाहे बीसीएस की कर रहे हो, चाहे वो बैंक की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, उसमें से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अगले साल मैं किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ऑफिसर वहां मैं जॉब कर रहा हूंगा। जबकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं, कुछ का कहना होता है कि अरे सर कॉम्पिटिशन का कुछ नहीं पता और जनरल की तो वैसे ही हालत खराब है, ये कुछ बहाने होते हैं लोगों का मिलीजामा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बीटेक एमटेक लोग स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा, मैं तो सीधा सिंपल बीए ग्रेजुएट। तो ये जैसी इस प्रकार की आपके मन में सोच आ जाती है वो वही एक हर्डल की तरह रोल प्ले करती है। और जो हमारा ब्रेन है वो कैसे रोल प्ले करता है इसका मैं जिक्र करूंगा जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा, कि किस तरीके से ब्रेन वर्क करता है, कैसे ब्रेन किसी एक चीज को आपके लिए बेनिफिशियल भी बना सकता है और उसी चीज को आपके लिए हर्डल भी बना सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में सक्सेस को मेजर करती है। तो खैर एटीट्यूड से जुड़ी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं नरेट करता हूँ। एक गुब्बारे वाला था जो गुब्बारे बेच करके अपना जिंदगी का गुजर बसर करता था। उसके पास कई रंग के गुब्बारे थे, लाल नीले हरे पीले हर टाइप के। तो वो क्या करता था कि जब भी उसकी बिक्री जो उसकी सेलिंग है वो कम होने लगती थी तो वो एक गुब्बारे को हीलियम गैस जिसमें भरा होता था, तो हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा वो आसमान पे छोड़ देता। तो जैसे गुब्बारा उड़ता तो बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वो उसी प्रकार के गुब्बारे को खरीदने की मांग करते। और इससे क्या होता कि जो उसकी बिक्री डाउन हो रही होती थी वो उसकी बढ़ जाती। तो हर बार वो अपनी बिक्री, जब भी उसकी बिक्री डाउन होने लगती थी उसको बढ़ाने के लिए वो ये तरीका अपनाता और इस तरीके से उसकी बिक्री बढ़ जाती। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि कोई पीछे से उसकी जैकेट खींच रहा है। जब उसने पीछे मुड़के देखा तो उसने पाया एक छोटा सा बच्चा उत्सुकता से भरी और वो जैकेट उसकी खींच रहा था। जब उसने पूछा कि हाँ बेटा क्या बात है, तो उस बच्चे ने पूछा कि एक बात बताइए कि अगर आप कोई काला गुब्बारा हवा में छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा। ये बात सुनकर के गुब्बारे वाले का दिल भर आया और उसने उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, ये गुब्बारा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो चीज है इस वजह से उड़ता है। तो खैर एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके सामने नरेट करी। यही चीजें हमारी असल जिंदगी में भी लागू होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी शख्सियत और यही आपकी शख्सियत जो है ये अच्छे नजरिए को पैदा करती है और एक अच्छा नजरिया ही ये तय करता है कि आप अपने लाइफ में कितना आगे तक जाएंगे। जिस तरीके से गुब्बारा जब उड़ता है जो उसने बच्चे को बताया उसका रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रंग तो दुनिया को दिखाई देता है, जो फर्क होता है वो उसके अंदर की क्वालिटी से होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन वही लोग जब कोई अच्छी सेलिब्रिटी, मतलब कहने का मतलब है आप चाहे किसी भी क्रिकेटर को ले लें या कोई भी ऐसा कि देखने से सुंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर योग्यता है, तो वो इंसान हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हम उसको बहुत चाहने लगते हैं। चाहे तो आप क्रिस गेल का या ऐसे बहुत से हैं जिनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं है लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्यार से हम उनसे नहीं करते हैं, उनकी अंदर की काबिलियत से करते हैं, क्वालिटी से करते हैं। इस पूरे भारतवर्ष में क्या ऐसे युवा नहीं जो सलमान से या शाहरुख खान से अच्छे होंगे? बिल्कुल अच्छे होंगे, लेकिन शाहरुख खान या सलमान खान के अंदर जो क्वालिटी है, जो उनकी एक्टिंग है, दुनिया उससे प्यार करती है। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपका लुक कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्या है और वही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक ले जाती है। अगर बात करें हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जेम्स विलियमसन का कहना है कि इस पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपने नजरिए में बदलाव करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और इसी यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक ये पाया गया है कि हम जो भी तरक्की पाते हैं या जॉब पाते हैं या लाइफ में कुछ भी बढ़ा पाते हैं तो उसमें 85% जो रोल रहता है वो हमारे नजरिए का रहता है, जबकि 15% रोल हमारे तथ्यों, हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन का रहता है। और जबकि मजे की बात ये है कि ये जो 15% के लिए ही हम अपनी लाइफ में तमाम पैसा या समय खर्च कर देते हैं,
मैंने जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है वो ये देखा है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कि हम 90% से ज्यादा समय सब चीजों को इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गेन करने में लगा देते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं सीखते हैं कि आखिर रियल लाइफ में या जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां आपके एटीट्यूड का या उन सब चीजों का क्या लाइफ में रोल है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि सर मैं MBA हूं, BTech हूं, या मैंने इतनी डिग्री कर रखी लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिसको जानना जरूरी है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो 85% जो मेजर रोल प्ले करता है आपके सक्सेस होने के लिए, उसको कैसे समझा जाए, इस सारी वीडियो के माध्यम से मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमने यहां यही समझा कि जब तक आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। क्योंकि आप कितने भी महान क्यों ना हो, मैं भले ही आज की डेट में बैंकर हूं, मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन अगर मैं कोई चीज नई चीज सीखने जाऊंगा तो मुझे एज अ स्टूडेंट ही वहां चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर मैं अपना मन में यही गुण रख करके बैठूं कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ और बैंकर हूँ स्टेट बैंक में, तो शायद से मैं उन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। तो वही चीज है कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा है तो एक अच्छे सेल्समैन के लिए, एक अच्छे जॉब ओरिएंटेड पर्सन के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, उसका एटीट्यूड जब तक अच्छा नहीं हुआ वो एक अच्छा नहीं बन सकता। यही दूसरी स्टोरी, मैं एक छोटी सी स्टोरी नरेट करना चाहूंगा जिससे मैं चीजों को और बेहतर आपको बता सकूं। एक स्टोरी है एक किसान की। एक हाफिज नाम का एक किसान था जो अफ्रीका के शहर में रहता था। वह अपनी लाइफ से, वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश भी था और संतुष्ट भी था। खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। समझिएगा इस बात को। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी मुलाकात एक अकलमंद व्यक्ति से हुई। तो उस अकलमंद व्यक्ति ने उसे हीरो से जुड़े फैक्ट्स के बारे में, उससे जुड़ी ताकतों के बारे में उसे बताया। उसने उसे बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे बराबर भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरा भी हो तो शायद से तुम पूरा देश खरीद सकते हो। यह बात सुनकर के हाफिज मन ही मन उन सब चीजों के बारे में सोचने लगा। इतना कहकर के वो अकलमंद व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन हाफिज जो बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था, अब वो खुशी उसके पास नहीं रही क्योंकि वो असंतुष्ट हो। ध्यान दीजिएगा, हम खुश तब होते हैं जब हम सेटिस्फाई हो, और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम खुश नहीं हो सकते। तो अब क्या था कि वो दिन रात उस हीरो के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर तब इतना मेरे पास है, अगर एक छोटा सा हीरा भी मेरे पास आ गया तो शायद से मैं मेरी आने वाली पुश्ते भी आराम से बैठ के खाएंगे। तो क्यों ना मैं इस लाइफ में कुछ ऐसा करूँ कि हीरा पा सकूँ। ये सोच करके उसे रात भर नींद नहीं आई, और अगले दिन उसने डिसाइड किया कि जो उसके खेत हैं उनको बेचने का और अपने परिवार को पालन पोषण का उसने योजना बनाई, उसने जिम्मेदारी दी। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन वो अपने खेतों को बेच करके और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले करके वो हीरो की खोज में चला गया। पूरे अफ्रीका में वो घूमा जगह जगह, लेकिन वो हीरो को नहीं पा पाया। उसके बाद अफ्रीका में घूमते घूमते वो यूरोप में गया, और यूरोप के कोने कोने घूमा, वो वहां भी हीरो को नहीं पा पाया। और आखिर में स्पेन जाते जाते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर इतना टूट गया, इतना परेशान हो गया कि बार्सिलोना नदी में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। और यहां दूसरी तरफ जिसको उसने अपने खेत बेचे थे, एक दिन उस खेतों से होते हुए नाले में अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए गया। तो जब वो वहां ऊंटों को पानी पिलाने गया तो देखा कि उगते हुए सूरज की किरणें वहां नाले के एक तरफ पड़ी, और वहां एक पत्थर जो था वो चमकाने लगा, चमचमाने लगा। तो जब वो नाले की दूसरी ओर गया और उसने देखा कि आखिर ये कौन सी चीज है जो सूरज की किरणों से बड़ी चमक रही है, तो उसने पाया कि वहां एक पत्थर था जो इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। ये सोचकर कि ये पत्थर मेरी बैठक में बहुत अच्छा लगेगा, उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी बैठक में सजा दिया। फिर उसी दिन दोपहर में वो व्यक्ति जिसने हाफिज को उस हीरो के बारे में बताया था, वो खेतों के नए मालिक के पास आया
और जब उसने उस चमचमाते हुए पत्थर को देखा तो उसने पहला सवाल ये पूछा, क्या हाफिज लौटा है? तो खेत की जो नए मालिक था उसने कहा कि नहीं, हाफिज तो नहीं लौटा, लेकिन आपने सवाल क्यों पूछा? तो उसने कहा क्योंकि ये जो चीज तुम्हारे घर में रखी है जो चमचमा रही है, ये हीरा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये हीरा नहीं है, ये एक साधारण सा पत्थर था जो मैं खेत के पास पड़े वाले के पास मैंने देखा, मुझे लगा ये मेरे बैठक में अच्छा लगेगा, मैं इसे ले आया। उसने बोला कि नहीं, ये हीरा है, अब मैं इसको देखकर नहीं पहचान सकता हूँ। बोले नहीं, ये हीरा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। तो बोला चलिए आइए। तो जब वो गए और वहां देखा कि वहां उसके खेत में नाले के पास एक नहीं ना जाने बहुत सारे ऐसे पत्थर थे जो बहुत चमचमा रहे थे। उन्होंने उसे चेक करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा और देखा कि वो हीरा ही था। और वहां उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक कई हीरे लगे हुए थे। तो खैर, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि देखिए, हाफिज जो बहुत ही खुश था, संतुष्ट था, और जिसके पास एक ऐसा खेत था कि जिसमें हीरे लगे हुए थे, लेकिन वो जानता नहीं था, और उसी असंतुष्टि में वो ना जाने कहां कहां दर दर भटका, घूमा, और फिर उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये जो स्टोरी आपने सुनी है, अगर आप थोड़ा सा इस पर सोचे और इसकी तह तक जाए तो आप देखेंगे कि ये कई बार हमारी लाइफ से जुड़ी होती है चीजें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो चीज होती है उनसे बहुत खुश होते हैं, तो लाइफ में वही छोटी सी चीज हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती है। कई बार क्या होता है कि भगवान ने जो हमें दिया होता है हम उससे खुश नहीं होते, दूसरे को देख करके हम बहुत असंतुष्ट होते हैं, और हम क्या देखते हैं कि जो चीज हमारे लिए आगे चल करके बहुत अच्छी बन सकती है उसे हम छोड़ करके वहां चले जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि हम अपने हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, जो जिंदगी शायद से हमें भगवान ने बहुत अच्छी दी थी। खैर, ये जो स्टोरी मैंने आपके सामने पेश करी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें 5-6 चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज कि अगर आपका नजरिया सकारात्मक है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस जमीन पे चल रहे हैं जो जमीन हीरो से भरी हुई है। आपके पांव के तले इतने मौके हैं कि जिसको पाने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपको बस उन मौकों को पहचानना है। यानी कि आप अगर आशावादी हैं और आप ये मानते हैं कि यस आई कैन डू एनीथिंग, मुझमें भी वो बात है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को एक स्पेशल पावर के संग, एक स्पेशल एक खूबसूरती के संग, एक ऐसी क्वालिटी के संग नवाजा है जो हर किसी में अलग अलग है। आपके पास भी कुछ ऐसा है जो शायद से दूसरों के पास ना। तो इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे के पास क्या है, ये है। सबसे पहली चीज, अगर आपके एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप तो सारी अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वही अपॉर्चुनिटीज आपके पांव तले दबी हुई है, आप उस जमीन पे चल रहे हैं जिस जमीन में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपको मौकों को पहचानना है। दूसरी बात कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा नजर आता है, मतलब कि हम हमेशा दूसरे को देखते हैं कि दूसरे के पास बहुत अच्छा है, हमारे पास कुछ नहीं है, और हम उसी चीज को लेकर के असंतुष्ट होते हैं। तीसरी चीज कि हम वही चीज रिलेटेड है कि हम हमारे पास क्या है इस चीज को हम नहीं सोचते, लेकिन दूसरे के पास क्या है, वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहा है, ये चीज देखकर के हम मन परेशान होते हैं, भगवान को कोसते हैं, जबकि दूसरा हमें देख के परेशान हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट जॉब में 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए पा रहे हैं, तो मैं उनको देख करके बहुत जलसी फील करता हूँ कि यार देखो क्या लाइफ स्टैंडर्ड है इनका, 1.5 लाख रुपए पा रहे हैं, क्या मस्त है, या क्या है गवर्नमेंट जॉब में 35-40 हजार एक बंधी हुई तनख्वाह है और कुछ नहीं है, लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर सकते, ये वो। तो मैं उनको देख करके परेशान होता हूँ, और शायद से भगवान ने जो मुझे सबसे अच्छी चीज दी है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो लोग मुझे देख के परेशान हो रहे हैं। यार बताओ, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिलती किसे है, आराम से अपने सुबह 10 बजे गए, 5 बजे आ गए, सैटरडे संडे छुट्टी है और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कोई निकाल नहीं सकता, उनका अपना सोचना है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में हर बंदा परेशान है, चाहे जिसकी सैलरी करोड़ों में हो, बिजनेस मैन वो परेशान है, हम देखते हैं करोड़ों रुपए आ रहा है लेकिन उसने परेशान है, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, मैं अपने पैसों को कैसे बचाऊं, कैसे मैं ये करूं, और एक छोटा गरीब आदमी उसके लिए परेशान है कि मैं कहां से 2 वक्त की रोटी कमाऊं। हर बंदा परेशान है। खुश वो है जो ये जानता है कि मेरे पास जितना भी है और वो उससे संतुष्ट है, क्योंकि मैंने वर्ड कहा था कि हाफिज इसलिए खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो इसलिए संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। तो आपके पास जो भी है आप उससे संतुष्ट हुई है, सेटिस्फाई हुई है,
हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। हालांकि दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी चीजों को पाने की लग आपके लिए। तो क्या तीसरी चौथी चीज ये है कि जिन्हें जो मौकों को नहीं पहचान पाते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कई बार उनके मौके चारों तरफ होते हैं लेकिन वो मौकों को नहीं पहचान पाते। तो जो लोग मौके को नहीं पहचान पाते हैं उनके लिए मौकों का खटखटाना सिर्फ शोर नजर आता है, उन्हें लगता है उन्हें अननेसेसरी आवाज नजर आती है, वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें बहुत आगे तक ले जा सकती है। जबकि एक कामयाब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नजरिया हमेशा पॉजिटिव है, जिसका हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जो भी उसको बेनिफिट दे सकती है, वो उन्हीं मौकों को पहचान के आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ पढ़ने वाला व्यक्ति, आप ही के बराबर एजुकेशन पाने वाला व्यक्ति एक भी इतना आगे चला जाता है कि दुनिया में उसका इतना नाम हो जाता है और आप एक साधारण से जीवन जीते हैं? क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, क्योंकि वो जानता था कि चारों तरफ ऊपर वाले ने बहुत सारे मौके दिए हैं और उसमें से कोई एक मौका उसके लिए है और उसने अपने रिसीवर को ऑन कर रखा था कि कोई भी एक ऐसा मौका जो उसके पास आएगा जिसे वो ग्रैब करे और आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको भी करनी है कि उन मौकों को आप दरकिनार ना करिए जो आज आपके सामने है, क्योंकि नेक्स्ट बात ये है कि जो मौके आज आपके सामने हैं अगर आप उन्हें मिस कर दें तो कल को हो सकता है कि उससे बदतर मौका आए या उससे बेहतर मौका आए, लेकिन ये 100% है कि वैसा मौका कभी नहीं आएगा। जो मौका आपने गवा दिया वो फिर कभी नहीं आने वाला। और फिर होता क्या है कि जब हमारे पास समय होता है, जब एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है और जब हम उसे नहीं पहचान पाते हैं और बाद में जब वो मौका चला जाता है जब उसके पीछे भागते हैं तो बहुत देर हो चुकी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सही समय पर अगर आप फैसला नहीं लेते हैं तो गलत समय पर लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है। जैसे मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं जहां आपकी इन्वॉल्वमेंट हो और जहां आप टाइम नहीं ले सकते, तो शायद से आपका समय अगर सही नहीं है तो लिया गया सही डिसीजन भी गलत हो जाता है। खैर, यहाँ ये जितनी भी स्टोरीज जो मैंने नरेट करी हैं, इसे प्लीज एक बार आप खुद से जोड़ के देखना और आप ये देखना कि जो स्टोरी बताई गई है क्या ये मुझसे जुड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी करना चाहें, चाहे आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहें, चाहे आप रिच पर्सन बनना चाहें, चाहे आप कॉम्पिटिशन क्रैक करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखिए कि आपके एटीट्यूड में तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को, कल कुछ व्यूअर्स होंगे जो देखेंगे कहेंगे वही बकवास की बातें, वही किताबी बातें, कहना आसान है माय डियर, करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो सारी बातें कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट ने करी, जो मैंने करी। इसलिए अब ये आपका एटीट्यूड है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो होप सो दैट कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपने कुछ ना कुछ तो पाया होगा, और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप ये वीडियो ही नहीं देखेंगे। आप किसका नुकसान करेंगे? आप मेरा किसी नुकसान नहीं करेंगे। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी जो आपके चारों तरफ आसपास खड़ी हो उसे आपने पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने आपको ये बात कही है, अपॉर्चुनिटी आपके चारों तरफ है, इस यूनिवर्स में ऊपर वाले ने आपके सामने अपॉर्चुनिटी दी है, आपको उसे पहचानना है। ओके, क्या है